महाभारत के पराक्रमी योद्धा भीष्म पितामह की कथा सुनने के बड़े ही रहस्यमयी और चमत्कारी फायदे। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। भीष्म पितामह का नाम सुनते ही हमें एक पराक्रमी योद्धा का सशक्त चेहरा याद आता है। एक ऐसा पितृभक्त पुत्र जिसने अपना पूरा जीवन एक प्रतिज्ञा को निभाने में बिता दिया। एक ऐसे निष्काम कर्मयोगी जिसने अपने पिता के लिए अपने जीवन, अपनी इच्छाओं और सुखों का त्याग कर दिया। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को भीष्म पितामह की जयंती मनाई जाती है, जो कि इस बार 29 जनवरी 2019 मंगलवार को भीष्म पितामह की जयंती है। भीष्म पितामह महाभारत के एक ऐसे योद्धा है, जो एक ऐसे नायक है जो प्रारंभ से लेकर के अंत तक बने रहे। उन्होंने जीवन भर अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया और हस्तिनापुर को सुरक्षित हाथों में देखकर ही अपने प्राणों का त्याग किया। उन्हें देवव्रत व गंगापुत्र आदि नामों से भी जाना जाता था। महाभारत में भीष्म पितामह की कथा का उल्लेख इस प्रकार बताया गया है। गंगापुत्र भीष्म पिछले जन्म में द्यो नामक वसु थे। एक बार प्रथु आदि वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे। वहां वशिष्ठ ऋषि का आश्रम भी था। एक वसु पत्नी की दृष्टि ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में बंधी नंदिनी गाय पर पड़ गई। यह गाय समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाली थी। उसे अपने पति द्यो नामक वसु को दिखाया तथा कहा कि वह गाय अपनी सखियों के लिए चाहती है, आप इसे हरण कर ले। पत्नी की बात मान करके द्यो ने अपने भाइयों के साथ उस गाय का हरण कर लिया। वसु को उस समय इस बात का ध्यान भी नहीं रहा कि वशिष्ठ ऋषि बड़े तपस्वी है और वे हमें श्राप भी दे सकते हैं। जब महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम पर आए तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से सारी बात जान ली। वसुओं के इस कार्य से क्रोधित होकर के ऋषि ने उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। वसुओं को जब यह पता चला कि वे ऋषि वशिष्ठ से जो है क्षमा मांगने आए, तब ऋषि ने कहा कि बाकी सभी वसुओं को तो शीघ्र ही मनुष्योनि से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन इस द्यो नामक वसु को अपने कर्म भोगने के लिए बहुत दिनों तक पृथ्वी लोक में रहना पड़ेगा। यह पृथ्वी पर संतानहीन रहेगा। महाभारत के अनुसार गंगापुत्र भीष्म वह द्यो नामक वसु थे। श्राप के प्रभाव से वे लंबे समय तक पृथ्वी पर रहे तथा अंत में इच्छा मृत्यु से ही उन्होंने प्राण त्यागे थे। भीष्म पितामह के पिता का नाम राजा शांतनु था। एक बार राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा तट पर जा पहुंचे। उन्होंने वहां एक बहुत ही सुंदर स्त्री को देखा। उसके रूप को देख करके शांतनु उसके ऊपर मोहित हो गए। राजा शांतनु ने उसका परिचय पूछते हुए उसे अपनी पत्नी बनाने को कहा। उस स्त्री ने इसकी स्वीकृति दे दी, लेकिन एक शर्त रखी कि आप कभी भी मुझे किसी भी काम के लिए रोकेंगे नहीं, अन्यथा उसी पल मैं आपको छोड़ करके चली जाऊंगी। राजा शांतनु ने उसकी यह बात स्वीकार कर ली तथा उस स्त्री से विवाह कर लिया। इस प्रकार दोनों का जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा। समय बीतने पर शांतनु के यहाँ 7 पुत्रों ने जन्म लिया, लेकिन सभी पुत्रों को उसी स्त्री ने गंगा नदी में डाल दिए। शांतनु यह देखकर भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि मैंने इसका कारण पूछा तो यह स्त्री मुझे छोड़ करके चली जाएगी। 8वां पुत्र होने पर जब उस स्त्री ने उस पुत्र को भी गंगा में फेंकना चाहा, डालना चाहा, तो शांतनु ने उसे रोक करके पूछा कि यह क्या कर रही हो। उस स्त्री ने बताया कि वह स्वयं गंगा है तथा जिन पुत्रों को उसने नदी में डाला था वे वसु के पुत्र थे, जिन्हें वशिष्ठ ऋषि ने श्राप दिया था। उन्हें मुक्त करने के लिए ही मैंने उन्हें नदी में प्रवाहित किया है। आपने शर्त न मानते हुए मुझे रोका है, इसलिए अब मैं जा रही हूँ। ऐसा कहकर गंगा शांतनु के 8वें पुत्र को अपने साथ लेकर के चली गई। गंगा जब शांतनु के 8वें पुत्र को साथ लेकर चली गई तो राजा शांतनु बहुत उदास रहने लगे। इस तरह थोड़ा और समय व्यतीत होता गया। शांतनु एक दिन गंगा नदी के तट पर भ्रमण कर रहे थे।
वहां उन्होंने देखा कि गंगा जी में बहुत थोड़ा जल रह गया है और वह भी प्रवाहित नहीं हो रहा है। इस रहस्य का पता लगाने के लिए जब शांतनु आगे आए तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर व दिव्य युवक अस्त्रों का अभ्यास वहां पर कर रहा है और उसने अपने बाणों के प्रभाव से गंगा जी की धाराओं को रोक दिया है। यह दृश्य देख करके शांतनु को बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी वहां शांतनु की पत्नी गंगा अचानक प्रकट हो गई और उन्होंने बताया कि यह युवक आपका 8वां पुत्र है, इसका नाम देवव्रत है। इसने वशिष्ठ ऋषि से वेदों का अध्ययन किया है तथा परशुराम जी से इसने समस्त प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने की कला सीखी है। यह श्रेष्ठ धनुर्धर है तथा इंद्र के समान तेजस्वी है। देवव्रत का परिचय दे करके गंगा उसे शांतनु को सौंप करके वहां से चली गई। शांतनु देवव्रत को लेकर के अपनी राजधानी में आए तथा शीघ्र ही उसे युवराज बना दिया। गंगा पुत्र देवव्रत ने अपनी व्यवहार कुशलता के कारण शीघ्र ही प्रजा को अपना हितेशी बना लिया। एक दिन राजा शांतनु यमुना नदी के तट पर भ्रमण कर रहे थे, तभी उन्हें वहां पर एक सुंदर युवती दिखाई दी। परिचय पूछने पर उसने स्वयं को निषाद कन्या सत्यवती बताया। उसके रूप को देख करके शांतनु उसके ऊपर मोहित हो गए तथा उसके पिता के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखा। तब वह उस युवती के पिता ने शर्त रखी कि यदि मेरी कन्या से उत्पन्न संतान ही आपके राज्य की उत्तराधिकारी हो तो ही मैं इस कन्या का विवाह आपके साथ करने के लिए तैयार रहूंगा। यह सुनकर के शांतनु ने निषाद राज को इनकार कर दिया, क्योंकि वह पहले ही देवव्रत को अपना युवराज मान चुके थे। इस घटना के बाद राजा शांतनु चुप रहने लगे। देवव्रत ने इसका कारण जानना चाहा तो शांतनु ने कुछ नहीं बताया। तब देवव्रत ने शांतनु के मंत्री से पूरी बात जान ली तथा स्वयं निषाद राज के पास जाकर पिता शांतनु के लिए उस युवती की मांग की। निषाद राज ने देवव्रत के सामने भी वही शर्त रखी। तब देवव्रत ने प्रतिज्ञा लेकर के कहा कि आपकी पुत्री के गर्भ से उत्पन्न महाराज शांतनु की संतान ही राज्य की उत्तराधिकारी होगी। तब निषाद राज ने कहा कि यदि तुम्हारी संतान ने मेरी पुत्री की संतान को मार करके राज्य प्राप्त कर लिया तो क्या होगा। तब देवव्रत ने सबके सामने अखंड ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली तथा सत्यवती को अपने साथ लेकर के अपने पिता को सौंप दिया। देवव्रत की इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम भीष्म पड़ा था। तब पिता शांतनु ने देवव्रत को इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध और बुध से इलानंदन पुरुरवा का जन्म हुआ। पुरुरवा से आयु, आयु के से राजा नहुष और नहुष से ययाति उत्पन्न हुए। ययाति से पुरु हुए, पुरु के वंश में भरत और भरत के कुल के राजा कुरु हुए। कुरु के वंश में आगे चलकर के राजा प्रदीप हुए, जिनके दूसरे पुत्र शांतनु थे। शांतनु का बड़ा भाई बचपन में ही शांत हो गया। शांतु के गंगा से देवव्रत भीष्म हुए, जिन्होंने प्रतिज्ञा धारण कर ली। वह काल यह था जबकि देवी और देवता धरती पर विचरण करते के लिए लगातार आया करते थे और मंत्र का उच्चारण करते ही वरुण, इंद्र, अश्विनी कुमार, वशुगण, आदित्यगण, रुद्र, सूर्य, मित्र, पूषण, विष्णु, ब्रह्मा, शिव, सती, सरस्वती, लक्ष्मी, उषा, उपानाथ, सविता, त्रिप, विश्व, मरुद्गण, पर्जन्य, वायु आदि जितने भी देवता थे, देवी थे, ऋषि थे, वो सब जो है मंत्रों के माध्यम से वहां पर प्रकट होते थे। इन्हीं देवताओं के कुल में से एक थी गंगा मैया। गंगा ने शांतनु से विवाह किया और शांतनु के भीष्म हुए और उसके बाद गंगा तो वहां से चली गई थी। अब इधर सत्यवती का विवाह राजा शांतनु के साथ में संपन्न हुआ। सत्यवती के गर्भ से महाराज शांतनु को चित्रांगद और विचित्र वीर्य नाम के दो पुत्र हुए। शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद राजा बन गए, किंतु गंधर्वों के साथ युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। तब विचित्र वीर्य बालक ही थे, फिर भी भीष्म विचित्र वीर्य को सिंहासन पर बैठा करके खुद राजकार्य देखने लगे थे।
विचित्र वीर के युवा होने पर भीष्म ने बलपूर्वक काशीराज की 3 पुत्रियों का हरण कर लिया और उसका विवाह विचित्र वीर के साथ कराना चाहते थे, क्योंकि भीष्म चाहते थे कि किसी भी तरह अपने पिता शांतनु का कुल बढ़ता जाए। लेकिन बाद में बड़ी राजकुमारी अंबा को छोड़ दिया गया, क्योंकि वह शाल्वराज को चाहती थी। अन्य दोनों अंबालिका और अंबिका का विवाह विचित्र वीर के साथ में कर दिया, लेकिन विचित्र वीर को दोनों से कोई संतान नहीं हुई और वह भी चल बसा। एक बार फिर से गद्दी खाली हुई, राज गद्दी पर किसको बैठाया जाए। सत्यवती शांतनु का वंश तो डूबने लगा और गंगा शांतनु के वंश ने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा भीष्म ने ले ली थी। अब हस्तिनापुर की राजगद्दी फिर से खाली हो गई और विचित्र वीर के युवा होने पर उनके लिए इधर जब शांतनु का जो कुल लगभग समाप्त होने की कगार पर था, ऐसे में रानी सत्यवती भीष्म से बार बार अनुरोध करती है कि पिता के वंश को चलाने के लिए अब तुम्हें विवाह करके पुत्र उत्पन्न करना चाहिए, लेकिन भीष्म अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। ऐसे में सत्यवती विचित्र वीर की विधवा अंबालिका और अंबिका को नियोग प्रथा द्वारा संतान उत्पन्न करने की सोचती है। भीष्म की अनुमति लेकर के सत्यवती अपने पुत्र वेदव्यास द्वारा अंबिका और अंबालिका के गर्भ से यथाक्रम धृतराष्ट्र और पांडु नामक पुत्रों को उत्पन्न करवाती है। शांतनु से विवाह करने से पूर्व सत्यवती ने अपनी कुमारी अवस्था में ऋषि पारवसर के साथ में सहवास कर लिया था, जिससे उनको वेदव्यास नाम के पुत्र की प्राप्ति हो गई थी और अपने इसी पुत्र से अंबिका और अंबालिका के साथ संयोग करने को कहती है। इस तरह कुल ऋषि कुल कहलाता है। भीष्म पितामह ने विवाह नहीं करके ब्रह्मचर्य का पालन किया था। उन्होंने आजीवन अविवाहित रहकर भी इस व्रत का कठोरता से पालन किया था। इसके लिए वे योगारूढ़ होकर के ब्रह्म का ध्यान किया करते थे। उनके समक्ष भगवान कृष्ण तो बच्चे ही थे, लेकिन उन्होंने कृष्ण को भगवान के रूप में पहचान लिया था। वे सदा कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे। महाभारत के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने निहत्ते रह करके अर्जुन के रथ हांकने की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन भीष्म ने उनसे शस्त्र ग्रहण करने का वचन ले लिया था। कृष्ण के लिए यह धर्म संकट की स्थिति बन गई थी। अंत में भक्त की लाज रखने के लिए भगवान कृष्ण ने रथ का पहिया लेकर के दौड़े थे, तब भीष्म ने हथियार रख दिए थे और कृष्ण के हाथों मारे जाने से ही अपनी मुक्ति समझने लगे थे। कृष्ण ने ऐसा करके अपने हथियार न धारण करने की पूरी प्रतिज्ञा भी की और भीष्म के कहने पर हथियार धारण करने का वचन भी पूरा किया था। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से प्रधान सेनापति थे। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने पर प्रधान सेनापति की हैसियत से भीष्म ने 10 दिन तक घोर युद्ध किया था। 9वें दिन भयंकर युद्ध हुआ, जिसके चलते भीष्म ने बहादुरी दिखाते हुए अर्जुन को घायल करके उनके रथ को जर्जर कर दिया था। युद्ध में आखिरकार भीष्म के भीषण संहार को रोकने के लिए कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ती है और उनके जर्जर रथ को देख करके भगवान कृष्ण रथ का पहिया लेकर के भीष्म पर झपटते हैं, लेकिन वे शांत हो जाते हैं। परंतु इस दिन भीष्म पांडवों की सेना का अधिकांश भाग समाप्त कर देते हैं। 10वें दिन भीष्म द्वारा बड़े पैमाने पर पांडवों की सेना को मार देने से घबराए पांडव पक्ष में भय फैल जाता है। तब भगवान कृष्ण के कहने पर पांडव भीष्म के सामने हाथ जोड़ करके उनसे अपनी मृत्यु का उपाय पूछते हैं। भीष्म कुछ देर सोचने के बाद जो है उनको प्रणाम करते हैं। 10वें ही दिन इच्छा मृत्यु प्राप्त करके भीष्म द्वारा अपनी मृत्यु का रहस्य बता देने के बाद इसके बाद भीष्म पांचाल तथा मत्स्य सेना का भयंकर संहार कर देते हैं। फिर पांडवों के पक्ष में युद्ध क्षेत्र में भीष्म के सामने शिखंडी को युद्ध करने के लिए लगा देते हैं। युद्ध क्षेत्र में शिखंडी को सामने डटा देख करके भीष्म अपने हस्त्र शस्त्र त्याग देते हैं। इस मौके का फायदा उठा करके कृष्ण के इशारे पर बड़े ही बेमन से अर्जुन ने अपने बाणों से भीष्म को छेद दिया था।
भीष्म बाणों की शरसैया पर लेट जाते हैं। दरअसल भीष्म ने अपनी इच्छा मृत्यु का रहस्य यह बताया था कि वे किसी नपुंसक व्यक्ति के समक्ष हथियार नहीं उठाएंगे। इसी दौरान उन्हें मारा जाता है। इस नीति के तहत युद्ध में भीष्म के सामने शिखंडी को उतारा जाता है। भीष्म को अर्जुन तीरों से छेद देते हैं। वे कराहते हुए नीचे गिर पड़ते हैं। तब भीष्म की गर्दन लटक जाती है। तब वे अपने बंधु बांधव और वीर सैनिकों से क्या कहते हैं। भीष्म को बाणों की सैया पर लेटने की खबर फैलने पर कौरवों की सेना में हाहाकार मच जाता है। दोनों दलों के सैनिक और सेनापति युद्ध करना छोड़ करके भीष्म के पास एकत्र हो जाते हैं। दोनों दल के राजाओं से भीष्म कहते हैं कि हे राजन्यगण, मेरा सिर नीचे लटक रहा है, मुझे उपयुक्त तकिया चाहिए। उनके एक आदेश पर तमाम राजा और योद्धा मूल्यवान और तरह तरह के बहुमूल्य तकिये उनका लेकर आते हैं, किंतु भीष्म ने उनसे एक को भी न लेकर मुस्कुराकर कहते हैं कि ये तकिये इस वीर शैया के काम में नहीं आएंगे, ये योग्य नहीं है। फिर वे अर्जुन की ओर देखकर कहते हैं कि बेटा, तुम तो क्षत्रिय धर्म के विद्वान हो, क्या तुम मुझे उपयुक्त तकिया नहीं दे सकते हो। आज्ञा पाते ही अर्जुन की आंखों में आंसू आए और उनको अभिवादन करके भीष्म को बड़ी तेजी से ऐसे तीन बाण मारे जो उनके ललाट को छेदते हुए पृथ्वी पर जा गिरे। बस इस तरह सिराना उनको मिल जाता है। इस बाणों का आधार मिल जाने से सिर को लटकते हुए पीड़ा जाती रही। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी भीष्म जो है प्राण वहां पर नहीं त्यागते हैं, लेकिन उस समय सूर्य दक्षिणायन स्थिति में रहते हैं। क्योंकि सूर्य जब उत्तरायण रहते हैं, ऐसे में स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं। सूर्य का उत्तरायण होना ही भीष्म का जो है इच्छा मृत्यु को देने वाला होता है, लेकिन शरसैया पर लेटने के बाद भीष्म प्राणों को नहीं त्यागते हैं, जबकि उनका पूरा शरीर तीर से छलनी हो जाता है, फिर भी वो इच्छा मृत्यु के कारण मृत्यु को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। भीष्म यह भली भांति जानते थे कि सूर्य के उत्तरायण होने पर, प्राण त्यागने पर आत्मा को सद्गति प्राप्त होगी और वे पुनः अपने लोक में जाकर के मुक्त हो जाएंगे, इसलिए सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार करते हैं। भीष्म ने बताया कि वे सूर्य के उत्तरायण होने पर अपना शरीर छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें अपने पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है और वे जब तक अपने शरीर को नहीं छोड़ सकते हैं, जब तक वो नहीं चाहेंगे। लेकिन 10वें दिन सूर्य डूब चुका था। भीष्म को ठीक करने के लिए शल्य चिकित्सक लाए जाते हैं, लेकिन उनको लोटा देते हैं और वह कहते हैं कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है, यह सब व्यर्थ है, शरसैया ही मेरी चिता है। अब तो मैं बस सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार कर रहा हूँ। पितामह की ये बातें सुनकर के राजागण और उनके सभी बंधु बांधवगण उनको प्रणाम करते हैं, प्रदक्षिणा करके अपनी अपनी छावनियों में, अपने अपने तंबुओं में लौट जाते हैं। अगले दिन सुबह होने पर फिर से वो सभी भीष्म के पास आकर लौटते हैं। सभी कन्याएं, स्त्रियां, उनके कुल के योद्धा पितामह के पास चुपचाप खड़े होकर के उनको देखते हैं, निहारते हैं। पितामह भीष्म बाणों की सरसैया पर पड़े हुए हैं। पितामह ने पीने के लिए राजाओं से ठंडा पानी नहीं मांगा, सभी उनके लिए पानी लेकर आए, लेकिन उन्होंने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन समझ गए और उसने अपने गांडीव पर तीर चढ़ाया और पर्जन्यास्त्र का प्रयोग करके वे धरती में छोड़ देते हैं। धरती से अमृत तुल्य सुगंधित बढ़िया जल की धारा निकलने लगी और उस पानी को पा करके भीष्म पितामह पीने लगे और उस जल से वह तृप्त हो गए। फिर भीष्म दुर्योधन को समझाते हैं कि युद्ध छोड़ करके वंश की रक्षा करो। उन्होंने अर्जुन की बहुत प्रशंसा की और दुर्योधन को बार बार समझाया कि हमारी यह गति देख करके संभल जाओ, लेकिन दुर्योधन उनकी एक भी बात को नहीं मानता है और फिर से युद्ध शुरू हो जाता है। अगले दिन फिर से सभी उनके पास इकट्ठे होते हैं। वो नए सेनापति कर्ण को समझाते हैं। वे दोनों पक्षों में अपने अंतिम वक्त से भी संधि कराने की चेष्टा करते हैं। भीष्म के सरसैया पर लेट जाने के बाद युद्ध और 8 दिनों तक चला।
भीष्म यद्यपि शरसैया पर पड़े हुए थे, फिर भी उन्होंने भगवान कृष्ण के कहने से युद्ध के बाद युधिष्ठिर का शोक दूर करने के लिए राजधर्म, मोक्ष धर्म और आपत धर्म आदि का मूल्यवान उपदेश बड़े ही विस्तार से दिया था। इस प्रकार उपदेश को सुनने से युधिष्ठिर के मन से ग्लानी और पश्चाताप दूर हो जाते हैं। बाद में सूर्य के उत्तरायण होने पर युधिष्ठिर आदि सभी सगे संबंधी, पुरोहित और अन्यान्य लोग भीष्म के पास पहुंचते हैं। उन सब से पितामह ने कहा कि इस सरसैया पर मुझे 58 दिन व्यतीत हो गए हैं और मेरे भाग्य में माघ महीने का जो है यह पक्ष आ चुका है। अब मैं जो है शरीर को त्याग करना चाहता हूँ। इसके पश्चात उन्होंने सब लोगों से प्रेम पूर्वक विदा ले ली और अपने शरीर को त्याग कर दिया। सभी लोग भीष्म को याद कर करके रोने लगे। युधिष्ठिर तथा पांडवों ने पितामह के शरीर विद्ध शव को चंदन की चिता पर रख करके दाह संस्कार किया। भीष्म सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वे मनुष्य के रूप में देवता वसु थे। उन्होंने ब्रह्मचर्य का कड़ा पालन करके योग विद्या द्वारा अपने शरीर को पुष्प सा कर लिया था। दूसरा, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। इस युद्ध के समय अर्जुन 55 वर्ष के थे तथा भगवान कृष्ण जो है अपनी 16 वर्षीय अवस्था में ही जो है लगभग 83 वर्ष के हो चुके थे। क्योंकि भगवान हमेशा 16 वर्ष से ऊपर नहीं जाते हैं, क्योंकि उनकी उम्र को तो लगभग 83 वर्ष हो चुके थे, लेकिन 16 वर्ष की आयु ही उनकी नजर आती थी और भीष्म लगभग 150 साल के हो चुके थे। उस काल में 200 वर्ष की उम्र मनुष्य की होना सामान्य बात थी। बौद्ध काल तक सभी भारतीयों की उम्र 150 साल हुआ करती थी। इसमें शुद्ध वायु, वातावरण और योग ध्यान का बड़ा योगदान था। भीष्म जब युवा थे तब कृष्ण और अर्जुन हुए भी नहीं थे। माना जाता है कि भीष्म ही युद्ध में सबसे अधिक उम्र के थे। उन्हें राजनीति का ज्यादा अनुभव होने के कारण वेदव्यास ने संपूर्ण महाभारत में भीष्म को राजनीति का केंद्र बना करके राजनीति के बारे में उन्होंने जो भी कहा उसका प्राथमिकता से उल्लेख किया है और इसी कारण भीष्म को पितामह की उपाधि दी गई थी। इस प्रकार भीष्म पितामह का जीवन प्राप्त हुआ और उनका जीवन पूर्ण हुआ। उन्होंने मोक्षप्रद वैकुंठ को प्राप्त करके पुनः वसु आदि देवगणों में वह समाहित हो गए और पुनः उन्हें देवत्व की प्राप्ति हो गई। तो मित्रों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट बॉक्स में भीष्म पितामह या प्रभु नारायण का नाम अवश्य लिख दीजिएगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।